वेलकम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दो सॉकेट का वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे पीछे साइड लाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर आपको दिखा देते हैं, इधर L लिखा है, L मतलब होता है लाइन, N मतलब होता है न्यूटर, इधर भी लिखा है L और N, लाइन न्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको बता देते हैं इसका वायरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें वायर के कुछ टुकड़े ले लिए, देख सकते हैं दो टुकड़े। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक वायर को इधर एन पे न्यूट्रल पे, ठीक है, और दूसरे वायर को इधर के न्यूट्रल। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन करना है। ठीक है, और जो एक वायर है इधर उसको इधर लाइन पे एल पे और एक को इधर मेल लाइन। ठीक है, इस प्रकार से वायरिंग करना है। ठीक है, और जो हमारे इसमें मेल लाइन आएगा वो क्या होगा, ये जो है फेस रहेगा इसमें रहेगा एल पे, इस पर एल पे मतलब लाइन पे। ठीक है, इधर से हमने इधर इसमें फेस डाल दिया। ठीक है, और इसको हमने टाइट कर दिया। ठीक है, तो इसको मिलेगा यहाँ से फेस और इसको मिलेगा इसके द्वारा फेस। ठीक है, तो इसको अच्छे से पहले टाइट कर लेते हैं। ये होगा हमारा टाइट और इसको न्यूट्रल में। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक न्यूट्रल दे देंगे मतलब अर्थ दे देंगे। ठीक है, फेस तो हमारा यहाँ से मिल गया, अब अर्थ यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ से फेस मिल गया और इसको यहाँ से अर्थ मिल गया। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से अच्छे से टाइट कर देंगे। ये होगा हमारा कंप्लीट वायरिंग। ठीक है, इस प्रकार आप भी अपने घर में वायरिंग कर सकते हैं। आपको हम चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारी बोर्ड है, देख सकते हैं इधर बोर्ड लगा है, इसमें इस दोनों वायर को लगा लेंगे। पहले इस वायर को पहले छील लेते हैं, कटर की मदद से छील, इस वायर को पहले छील लेते हैं कटर वायर। ठीक है, हमने छीन लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों वायर को इधर लगाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं इधर। ठीक है, उसके बाद स्विच कर दिया ऑन, उसके बाद आपको हम देखते हैं आप देख सकते हैं ये सोल्डर आयरन है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, वायर को मैं इसलिए यहीं पर रखा हूँ क्योंकि आपको लगे ना कि दूसरे साइड से करंट दिया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लगा कर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं जो हमारा इंडिकेटर है सोल्डर आयरन का, चलेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर भी दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। और जो हमारा फेस है हमेशा राइट साइड में होते हैं, मतलब किस साइड में, इस साइड में, देख सकते हैं राइट साइड में। अगर आप ऐसे चेक करेंगे ना खड़े होके, तो हमेशा किस साइड में, राइट साइड में होना चाहिए, तभी हमारा वो जो वायरिंग है सही है। देख सकते हैं राइट साइड में हमारा जो फेस है। ठीक है, इस प्रकार आप दो सॉकेट का अपने घर में वायरिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं बराबर, देख सकते हैं न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्टिंग किया है, एन से एल और एल से एल। ठीक है, और एक एन और एक एल पर क्या किया है, हमने एन से न्यूट्रल दिया है अर्थ दिया, और एल से क्या दिया, फेस दिया है। एल से क्या दिया है, फेस दिया, और एन से क्या दिया, न्यूट्रल। इस प्रकार भी आप कनेक्शन कर सकते हैं।